आचार्य बालमुकुंद हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आप यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि इतना बड़ी घटना हो चुकी है राजस्थान में। बहुत दुखद है, हम एक सनातनी को खो चुके हैं जो सर्व समाज के लिए हमेशा खड़े रहते थे और उन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए हमेशा मुखर होकर बोले हैं। और जो उन्हें भय था, वो भय उन्होंने 5 साल से लगातार सरकार को बताया कि भाई मुझे खतरा है, मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अधिकारियों को निर्देशन दिया था कि आप सुरक्षा मत दो, और सुरक्षा नहीं दिए तो हम एक सनातनी खो दिए। पाकिस्तान से धमकी आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान की धमकी आने के बाद भी और आज तक सुनवाई नहीं हुई। इतने बड़े गैंगस्टर को यहाँ पर पनाह दी गई, पनाह देने के बाद उसने इतनी बड़ी वारदात को अपने गुर्गों से अंजाम दे दिया, सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार विफल रही है पूरे 5 साल, लॉ एंड ऑर्डर जीरो रहा है, गृहमंत्री स्वयं अशोक गहलोत जी जीरो रहे हैं, माताओं को सुरक्षा दे नहीं पाए। गहलोत जी तो 19 बार पेपर लीक कराकर और सोने के बिस्कुट लूटने में लगे थे, चहितों को RSIS बनाने में लगे थे, जिसका नतीजा भुगत रहे हैं। सनातनी गो सेवक उसको आज शहीद कर दिया, और ऐसे गुर्गेर गैंग राजस्थान में पनप रहे, फल फूल रहे, यूपी से भाग गए, पंजाब उनका मित्र है गहलोत जी का, और उनके मित्रता में यहाँ निभा के यहाँ रह रहे हैं और शहीद कर रहे हैं हमारे गो सेवकों को, सनातनियों को टारगेट करने की बिल्कुल कर रहे हैं। हो सकता है अगला नंबर हमारा हो, तैयारी है इनकी। जो गोमाता की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, संस्कृति को बचाने की बात करेगा, राजस्थान के गौरव की बात करेगा, उसको इसी प्रकार से लोग शहीद करते जाएंगे। क्या लगता है कि आपको शपथ से पहले इस पूरे मामले पर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग एक सच्चे सनातनी गौ सेवक के साथ हैं, और वो हमारे सर्व समाज के लिए सदैव सेवा में उपस्थित रहते थे और सर्व समाज और संस्कृति को बचाने के लिए मुखर होकर बोलते थे लगातार। आचार्य जी, आपको भी पता होगा कि 3 से ज्यादा उन्होंने सुरक्षा की मांग करी थी कि उन्हें जान का खतरा है। मुझे पता है, मैं तो साथ था उनके, लेकिन नहीं दी, अनदेखी की गई, तो जिम्मेदार कौन है? स्वयं गहलोत जी हैं। अधिकारी देना चाहते थे, उनकी मंशा थी, लेकिन ऊपर से आदेश था मत दो, तो नहीं दी, और नहीं दी तो आज शहीद हो गया। हमारे बीच से एक सनातनी चला गया जिसको कई पीढ़ियों तक हमें दुख रहेगा। सर्व समाज के लोग भी चाह रहे थे कि इस पूरे मामले पर बिल्कुल सर्व समाज बैठा है, यहाँ सर्व समाज बैठा है, सर्व समाज के चहेते थे, और ये राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत में सनातनी के रूप में सब उनको जानते थे। आपको लगता है कि अब कुछ ना कुछ ऐसा उनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए ताकि मोर्चा खुल चुका है। ये तो यहाँ पर रोक लगा दी गई है, ज्यादा लोग ना आ पाए, लाखों लाखों लोग तैयार बैठे आने के लिए, ये संभाल लेंगे स्थिति, अच्छी बात है, अन्यथा नियंत्रण करना इनके लिए मुश्किल है। पुरानी सरकार में गैंगस्टर राज चल रहा था, 5 साल तक गैंगस्टर यहाँ फल फूल रहे थे, आए दिन वसूलियां कर रहे थे, आए दिन धमकियां दे रहे थे। पिछले दिनों यही गैंगस्टर गैंग कई जगह इन्होंने कांड किए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार नहीं बनती है तो एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई बदमाशों अपराधियों, न्यायालय पे विश्वास है, न्याय होगा, और न्यायालय को हमें प्रशासन पर विश्वास है हमारे पे कि वो समय अनुरूप इनका सबका उपाय होगा। ये गहलोत सरकार की तरह नहीं चलेगा कि 5 साल तक सुरक्षा मांगते रहे, दुर्घटनाएं घटित होती रही और गहलोत जी ने कान में रुई डालकर 5 स्टार होटल में रहते रहे। अब यहाँ पर सभी लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर आरोपी पकड़े जाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं पकड़े जाएं? आरोपी पकड़ने चाहिए, और जो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, पूरे परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनसे हम सब जुड़े हुए जो लोग हैं, हम लोगों को भी खतरा है, तो हमें ये अंदेशा है कि पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक जिस प्रकार के तार जुड़े हैं, धमकियां मिलती रही है, तो ये लोग अभी आगे भी कोई घटना घटित कर सकते हैं। आचार्य, आपको लगता है कि विदेश से सारा नेटवर्क राजस्थान में चला, राजस्थान के बड़े बड़े कारोबारियों से राजस्थान में गहलोत का गुंडा राज चल रहा था, सिर्फ इनका काम वसूली पर था, युवाओं के भविष्य बर्बाद करने पर था, और जिहादियों को पनपाने पे था, सनातन को मिटाने पे था। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि अब लोग यहाँ पर, धर्म समाज के लोग यहाँ पर हैं और उनका शरीर जो है अभी भी अंदर है, कब यहाँ से उनको ले जाया जाएगा? क्या प्रशासनिक अमले से कोई बात हो पाई? जब तक हमसे जो हमारी मांग है पूरी नहीं होगी, जब तक हमारे बीच कोई आकर मजबूत व्यक्ति बात नहीं करेगा, और मैं तो कह रहा हूँ लॉरेंस से जिम्मेदारी नहीं ली है, गहलोत को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ मैंने सुरक्षा नहीं दी, मैं लॉरेंस से मिला हुआ हूँ और ये मेरी वजह से हुआ। गहलोत भी है आचार्य, सनातनी यहाँ आगे बढ़े, सनातनी की बात करे, गो माता की सेवा करे, वो चाहते नहीं है। आचार्य बालमुकुंद यहाँ पर थे, उनका कहना है कि गहलोत सरकार का सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार गैंगस्टरों से मिली थी और उसी की आड़ में उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी, और जिसकी वजह से परिणाम अब ये